1994 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली ऐश्वर्या को ताल हम दिल दे चुके सनम, देवदास और रोबोट जैसी दमदार फिल्मों के लिए पहचाना जाता है। लेकिन अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर ऐश्वर्या राय ने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों को ठुकराया भी है और आज हम आपको ऐसी ही पांच फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं। पहली फिल्म है कुछ कुछ होता है। 1998 में आई कुछ कुछ होता है में करण जौहर ने पहले टीना का रोल ऐश्वर्या को ऑफर किया था, लेकिन उन्होंने इसे करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और फिर ये रोल रानी मुखर्जी ने किया और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। दूसरी फिल्म है मुन्ना भाई MBBS। ऐश्वर्या को मुन्ना भाई MBBS भी ऑफर हुई थी। उन्हें इस फिल्म के लिए तब अप्रोच किया गया था जब शाहरुख खान मुन्ना भाई MBBS में लीड रोल निभाने वाले थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। बाद में इस फिल्म में संजय दत्त को लिया गया और फिर इस फिल्म में ग्रेसी सिंह को कास्ट किया गया और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी हिट रही। तीसरी फिल्म है भूल भुलैया। भूल भुलैया में आपको मंजुलिका का रोल तो याद ही होगा, जिसे विद्या बालन ने बेहद खूबसूरती के साथ निभाया था। लेकिन आपको बता दें कि ये रोल पहले ऐश्वर्या राय को ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने ये फिल्म भी छोड़ दी। चौथी फिल्म है दोस्ताना। ऐश्वर्या को दोस्ताना में भी लीड रोल ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने ये ऑफर भी ठुकरा दिया, जिसके बाद प्रियंका चोपड़ा इस फिल्म में देसी गर्ल बनकर खूब मशहूर हुई। पांचवी और आखिरी फिल्म है वीर ज़ारा। यश चोपड़ा की फिल्म वीर ज़ारा में ऐश्वर्या को पहले प्रीति जिंटा का रोल ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने इसमें भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। बाद में प्रीति और शाहरुख की जोड़ी ने इस फिल्म में चार चांद लगा दिए और ये फिल्म सुपरहिट रही। तो अब आप इन फिल्मों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। इंडिया बॉलीवुड वायरल की रिपोर्ट।